नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और नमस्ते उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जब बम भोले के जयकारों के कावड़ यात्रा शुरू, हर हर महादेव से गूंज उठे देवालय। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह से ही देवालयों में उमड़ी है भीड़। जहां इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन भी काफी अलर्ट होता यहां पर नजर आ रहा है। जगह जगह ड्रोन कैमरों से प्रशासन की के द्वारा नजरें रखी जा रही है, चारों तरफ की किसी भी तरह की अव्यवस्था यहां पर ना हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बम भोले के जयकारों से कांवड़ यात्रा जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, हर हर महादेव से देवालय पूरा गूंज उठा है। वहीं आपको बता दें, सुबह से ही देवालयों में भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। इसको लेकर के, कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन यहां पर सबसे ज्यादा अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन द्वारा पूरी कोशिश कि किसी भी तरह का उत्पात ना हो, अव्यवस्था यहां पर ना हो, इसको लेकर के पैनी पैनी पर नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों के जरिए आपको बता दें कि ड्रोन कैमरों के जरिए भी नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर के पूरे पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए, प्रशासन द्वारा व्यवस्था पूर्ण की गई है। वहीं कांवड़ियों के लिए सारी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, सुव्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह पर ड्रोन कैमरों से नजर भी प्रशासन के द्वारा रखी जा रही है। तो प्रशासन देखिए पहले से भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा था और अब इसे लेकर के और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर प्रशासन यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रशासन द्वारा चारों तरफ ध्यान रखा जा रहा है और नजरें बरकरार की जा रही है कि किसी भी तरह का कोई अव्यवस्था ना हो। इसको लेकर के देखिए सुबह से ही देवालयों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कांवड़ यात्रा को लेकर के पूरी तैयारी, भक्तों में काफ़ी ज़्यादा जोश और प्रसन्नता इस वक्त देखी जा रही है कांवड़ यात्रा को लेकर के। कई तरह की कांवड़ यात्रा होती है, इसमें आपको बता दें कि सावन मास जो है, सावन का महीना जो है वो 14 जुलाई से शुरू हो चुका है और इसको लेकर के अब कांवड़ यात्रियों के द्वारा कांवड़ निकाला जा रहा है भगवान भोलेनाथ के लिए। और देखिए वहाँ से जा करके गंगा जल भर करके कांवड़ियाँ वापस आएंगे, उसको लेकर के उत्तराखंड में पूरी तैयारियां भी यहां पर कर ली गई है। सुबह से ही देवालयों में भक्तों की भीड़ जो है वो भी उमड़ पड़ी है और पूरी तैयारी भी यहां पर देखी जा रही है। और इसी विषय पर तमाम अपडेट और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह? देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अगर भोलेनाथ का जयकारे और सावन का महीना, ये दोनों का महीना आए और भगवान भोलेनाथ के जयकारे शुरू होने दें, ये तो हो ही नहीं सकता। श्रवण का मास जो है भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और मैं इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के दूधेश्वर मंदिर पर। मैं आपको दिखा दूं कि यही दूधेश्वर नाथ मंदिर है, ये बड़ा प्राचीन मंदिर है और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं, क्योंकि कल श्रवण मास जो है वो प्रारंभ हो चुका है और कल से कांवड़ लाना लोग शुरू हो गए हैं। यही वो प्राचीन मंदिर है दूधेश्वर, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जो कांवड़ लेके आते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री हरिद्वार आदि से कांवड़ उठाते हैं और यहाँ कांवड़ चढ़ाते हैं। चूंकि आज सोमवार को आते भीड़ ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन आज सोमवार नहीं, लेकिन बावजूद उसके देवालयों पर भक्तों की भीड़ जो है वो खासा देखी जा सकती है। मैं आपको अब तस्वीरों में साथ देख सकते हैं कि जो देवालयों पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। अभी सुबह 7 बजे का समय और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। मैं आपको सुरक्षा की बात करूँ तो ड्रोन कैमरों से और CCTV के कैमरों से लगा के यहाँ निगरानी की जा रही है। कई रूटों को अलग किया गया है ताकि भक्तों और कांवड़ियों को जो है ना कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये मंदिर जो है दूधेश्वरनाथ जो मंदिर है, मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहता है, क्योंकि चूंकि इसीलिए इसके जो आसपास के जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि कहना चाहिए कि जो भक्त हैं उनको खासा कोई समस्या ना आए, इसलिए यहाँ विशेष निगरानी रखी जा रही थी। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है, देखिए पूरी तैयारियां भी पुख्ता है और ड्रोन कैमरों के जरिए भी यहां पर राजीव निगरानी रखी जा रही है और पहले से भी इसको लेकर के पूर्णता व्यवस्था की बात कही जा रही थी। प्रदेश सरकार भी पूरी तैयारी करते नजर आ रहे थे। ऐसे में अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो किस तरीके से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है, कैसे सारी तैयारियां की जा रही है उनके द्वारा? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल कांवड़ का शुभारंभ था और कांवड़ के लिए कल से लोग जल भरना शुरू कर दिए हैं, जो कांवड़िया जो राजस्थान के, दिल्ली के, हरियाणा आदि के
कांवड़िया हैं वो वहाँ से जल लेके कल निकल चुके हैं, उन्हें 2 से 3 दिन का यहाँ तक आने में समय लगेगा। तो जो जो रास्ते हैं उन रास्तों को बंद कर दिया गया है, एक रास्ते पर केवल और केवल कांवड़िया और भक्तगढ़ ही चलेंगे, जबकि दूसरे रास्ते पर ट्रैफिक रहेगा और ट्रैफिक के लिए भी खासा व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे सीधे आदेश है कि किसी भी भक्त कांवड़िया को कोई परेशानी ना हो, रास्ते में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। 20 जगह शिविर लगाए गए हैं, इन शिविरों में कांवड़ियों को जो दवाई है, चिकित्सा है, खान पान है, उनके रहने की आराम करने की जो व्यवस्था है, उस तरह से वो लोग काम जो जो शिविर है वो लगाए जा रहे हैं रास्तों में, जगह जगह उनके लिए सेवा और उसके भाव के लिए जो श्रद्धालु है वो उनकी सेवा के लिए भी खड़े रहते हैं। और 2 से 3 दिन में कहना चाहिए कि जो जो दूर वाले कांवड़िया है, कहना चाहिए जैसे कि राजस्थान हुआ, दिल्ली, हरियाणा आदि के जो कांवड़िया है वो इस मार्ग पर निकलना शुरू हो जाएंगे और 2 से 3 दिन में यहाँ पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है कि 2 से 3 दिन में यहाँ लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर राजीव मंदिरों में बात की जाए तो आप देखिए मंदिर के बाहर ही खड़े हैं, मंदिर में किस तरह की तैयारी, किस तरीके से सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश उनके श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जलाभिषेक किया जा रहा है, भक्तों के द्वारा उन पर बेल पत्र चढ़ाए जा रहे हैं, नचूरे और भांग चढ़ाई जा रही है, भगवान भोलेनाथ का जो सबसे उसको भी यहाँ पर चढ़ा, जो भक्त लोग हैं वो शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं ताकि वो अपने भगवान और अपने आराध्य को प्रसन्न कर सकें और मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं सीमा के ये जो श्रवण मास है वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय मास माना जाता है और इस मास में एक क्षण की पूजा भी कई क्षण के बराबर मानी जाती है। ऐसी मान्यता है प्राचीन काल से कि अगर सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अगर एक बार भी जो लोग जलाभिषेक करके और उनकी जो भक्तिभाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उनको कई गुना लाभ प्राप्त होता है, उनकी मन की जो इच्छा है वो पूर्ति होती है। इसी तरह से जो दूधेश्वर मंदिर है गाजियाबाद का, जो दूधेश्वर मंदिर है वो अति प्राचीन मंदिर है और जो शिवलिंग है वो अति प्राचीन बताया जाता है और यहाँ लोग सुबह से जो है जलाभिषेक करने के लिए भांग धतूरा और जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय जो वस्तुएं हैं उनका उन्हें समर्पित करते हैं, उन पर जलाभिषेक करते हैं और सुबह से ही उनको प्रसन्न करने के लिए यह भक्तों का पता लगा। बिल्कुल। और ये जो महीना होता है पूर्णतः भगवान शिव को ही अर्पित होता है, समर्पित होता है और इसको लेकर के पूरी तैयारियां भी देखी जाती है। इसमें अगर कांवड़ियों की बात एक बार फिर से कर ली जाए तो कांवड़ियों के लिए जब वो वापस आएंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस तरह की तैयारी, कोई विशेष तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही हो? देखिए विशेष तैयारी की अगर हम सीमा बात करें तो यहाँ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर तैयार किया गया है और हेलीकॉप्टर से पुष्प जो पुष्पों की वर्षा इन कांवड़ियों पर की जाएगी। हालांकि उसमें कई लोग यहाँ शामिल हैं जो कि जो प्रशासन के लोग हैं, यहाँ जो बड़े पदाधिकारी भी उनमें शामिल रहते हैं और पुष्प वर्षा जो है यहाँ हर साल करीब 2 से 3 वर्ष हो गए जब से योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उनको कांवड़ियों को लेकर एक विशेष सॉफ्ट कॉर्नर उनके जो अपनाते हैं और कांवड़ियों के लिए कहना चाहिए कि उनके पुष्प वर्षा करते हैं और उनके सुख सुविधा का विशेष ध्यान वो रखने का प्रयास करते हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिविरों में सुविधाएं बढ़ाने के क्षेत्र में हो, चाहे उनको डिस्टर्बेंस ना हो, मार्ग में अवरुद्ध पैदा ना हो, वो सही से निकल सके, मार्ग सही है कि नहीं है, गड्ढे तो नहीं उस मार्ग में, खास हर वो छोटी छोटी चीज जिस पे कांवड़ियों को असुविधा ना हो खासकर उस चीज पर विशेष ध्यान रखने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं और खासकर मुख्यमंत्री स्वयं इसकी निगरानी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कांवड़ियों के लिए उनके दिल में एक विशेष कॉर्नर है, वो स्वयं इसकी निगरानी करते हैं कि किसी भी तरह की कोई ढील और कोताही जो है ना इसमें ना बरती जाए। तो कुल मिलाकर के पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा और कांवड़ियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई। आपका बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी।